वैसे तो गुजरात का मोरबी सिरेमिक की मैन्युफैक्चरिंग के लिए देश भर में अव्वल है, लेकिन यहाँ घड़ियों के साथ प्लास्टिक गुड्स और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की करीब 300 से ज़्यादा कंपनियाँ हैं। इसमें से 150 कंपनियों ने चीन से इम्पोर्ट होने वाले कच्चे माल के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है और मोरबी में ही ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण करने का फैसला किया है। कम से कम 25,000 के आसपास की लेबर है पूरा इंडस्ट्री का मोरबी का, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास है, पूरा बिल्डिंग मशीनरी जो भी है प्लास्टिक के हिसाब से या तो कोई भी चीज़ टेक्निकल या तो कोई भी चीज़ है तो वहाँ बना सकते हैं हम लोग। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़्यादातर चीज़ें चीन से इम्पोर्ट होती हैं, लेकिन ख़ास तौर से वाइट गुड्स में कोई तोड़ नहीं है। ऐसे में इन मैन्युफैक्चरर्स को भारत में उसी क्वालिटी का कच्चा माल मिलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मोरबी के इन मैन्युफैक्चरर्स ने उसका भी तोड़ निकाल लिया है और वियतनाम, कंबोडिया, ताइवान जैसे देशों से शुरुआती दौर में कच्चे माल का इम्पोर्ट करने का विचार है। वो धीरे धीरे कच्चा माल भी मोरबी में ही बनाना चाहते हैं। हम लोग ये भी कर सकते हैं, अगर वो थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया या चाइना में वो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है तो उसका की कंपोनेंट लेके वही चीज़ हम लोग मोरबी में भी ये कर सकते हैं। मोरबी के इन उद्योगकारों ने एलजी, सैमसंग और सीमेंस जैसी वाइट गुड्स बनाने वाली कंपनियों के साथ अपना कम्युनिकेशन शुरू कर दिया है ताकि ये कंपनियाँ जो रॉ मटेरियल चाइना से इम्पोर्ट करती थी वो अब यहाँ से खरीद सके। मनीष देसाई, अहमदाबाद।